हेलो सब्स, वेलकम टू ऑल। एंड फर्स्टली आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अपलोड अ वीडियो फॉर यू गाइस, सो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। कम टू द टॉपिक फर्स्ट। सो फाइनली आई कट माई हेयर। मेरी एक डेढ़ साल की मेहनत को मैंने त्याग कर दिया है। सो पहले बात करते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बस मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है। एंड मैंने एक गोल सेट किया था जिसको मैंने पूरा करके ये डिसीजन लिया। एंड अगर आज मैं ये नहीं करता तो बाद में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। वाई? बिकॉज इफ़ यू लिव विद समथिंग यू हैविंग फॉर लॉन्ग टाइम तो उससे अटैचमेंट हो जाती है और आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक कॉल ली और आज मैं इससे मूव ऑन हो चुका हूँ। काश मैं अपनी एक्स से मूव ऑन हो। सो जो कसाइड एंड बात करते हैं बालों के ऊपर। सो पहले मैं एक सैलून गया और मैंने अपने बारबर से कह के अपने बालों की लेंथ डिसाइड कर उन्हें रिमूव करवाया। एंड मेरी 12.5 इंच की छोटी निकली जो आप वीडियो के स्टार्ट में देख सकते हैं। सो मैंने जब अपना हेयर कट करवाया तो मैंने सोचा कि मैं इनको ऐसे वेस्ट जाने नहीं दूंगा। सो आफ्टर मैंने अपने बालों को एक ज़िपलॉक बैग में पैक करके मैंने उनको एक ट्रस्ट में डोनेट कर दिया फॉर कैंसर पेशेंट। ट्रस्ट का नेम एंड इन्फॉर्मेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर 1 वीक आई गॉट सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड आपको कुछ भी पूछना हो अबाउट दिस एंड अगर आपको फुल प्रोसेस की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में बना दूँगा। अगर आपको कुछ पूछना है अबाउट दिस एंड फिटनेस रिलेटेड इंस्टाग्राम मीडियम कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूँगा। सो दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। एंड एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ और जल्दी बनाऊँ तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। एंड आई मेक श्योर कि मैं अब नेक्स्ट टाइम से जल्दी वीडियो ऐसे अपलोड करूँ। एंड थैंक यू।